एक कहावत सुनी होगी आपने, जब नहीं है बस का तो क्यों लिया दस का। नोट यह कि इसे पंकज भाई से जोड़ के ना देखा जाए। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Hello friends, welcome to the channel India Not Dead. सब्सक्राइब करें इंडिया ऑन रोड ट्रिप यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को कर लें एक्टिवेट ताकि हमारे नए टूर्स की इंटरेस्टिंग वीडियोस कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। बहुत गर्मी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इंडिया ऑन रोड ट्रिप। मैं हूं जलज कुमार, ये हैं पंकज जी जो कि हमारे साथ हैं। हमारा ये लेह ऑन स्पोर्ट्स का डे टूर है। पंकज भाई RC 390 पे हैं और मैं Ninja 650 पे हूं। अभी इस समय हम लोग जम्मू में हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिन के 12 बजने वाले हैं, हम लोग बस निकल रहे हैं यहाँ से श्रीनगर के लिए और वैसे ही मतलब बहुत लेट हो चुके हैं यहाँ से। और जिसमें हम रुके थे वो ये जगह थी, शिवम लॉज करके था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो पहले नैना का पेट भरते हैं। हालांकि अभी काफ़ी पेट्रोल है इसमें, लेकिन फिर भी यहाँ से फुल करके चलते हैं। मैंने आधे टैंक से नीचे पेट्रोल जाने नहीं देता हूँ। पंकज भाई का पेट्रोल ख़त्म हो चुका है क्योंकि उसका टैंक जो है वो थोड़ा छोटा है, तो वो रिज़र्व में लग चुकी है आई थिंक। पहले चलते हैं मार्केट, मार्केट से फिर जो सामान लेना है वो सामान ले करके पेट्रोल भरवाते हुए श्रीनगर को निकल जाएंगे। ये भी नहीं है, ख़राब है भाई, कुछ सही रखा है यहाँ पर। प्रॉपर फरुखाबाद से कहाँ से हो सभी, सारे के सारे हैं? अच्छा, मतलब कब्जा कर रखा है इसमें क्या? सो नैना का पेट इन्होंने कुछ ज़्यादा भर दिया है, पूरे उस पर पेट्रोल गिर गया था। यहाँ पे ऑटो कट चालू नहीं है तो पूरे उस पर तेल जो है वो पूरा बाहर आ गया था और सारे पे तेल ही तेल हो गया है इधर। तो खैर अभी तेल पोंछ दिया है और बाकी जो थोड़ा बहुत लगा होगा वो उड़ जाएगा, लेकिन खाली में इतनी तेल की बर्बादी क्यों होगी। पंकज भाई पेमेंट अब जम्मू से निकल रहे हैं, 12:30 टाइम हो गया है और श्रीनगर बहुत टाइम लग जाएगा पहुंचने में। 300 किलोमीटर करीब यहां से श्रीनगर है और देखते हैं क्या होता है, कैसे पहुंचते हैं। मेरे चाचा CRPF में है तो वो श्रीनगर में ही रहते हैं, तो रहने का उनके पास बोला है, तो देखते हैं उनके पास होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं और जाएंगे। मैं श्रीनगर में रुकना नहीं चाहता था क्योंकि वहाँ पे छोटी सी भी कोई बात होती है तो उससे आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए श्रीनगर में रुकना नहीं चाहता था। लेकिन अब श्रीनगर में रुकना ही पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ से बहुत लेट हो चुके हैं। तो बाय बाय जम्मू, मिलेंगे फिर कभी आपसे। दो मेन चीज़ थी वो नहीं मिली, एक मिल गई, दो नहीं मिली, होपफुली आगे मिल जाए हमें वो, क्योंकि बारिश से बचने के लिए इस समय और कोई जुगाड़ नहीं हमारे पास। मतलब हमारे पास तो है, सामान के पास नहीं है। बाकी एक 5 लीटर की तेल की केन मिल गई है और 70 रुपये की थी एक तेल की केन, जिसकी क्वालिटी 20 रुपये की भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, अब करना पड़ेगा। बाकी सिम कार्ड भी नहीं ले पाए क्योंकि सिम कार्ड एक दुकान वाला मना कर रहा था कि आपको नहीं मिलेगा, लोकल एड्रेस चाहिए, और एक दे रहा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहा था। वो 350-400 रुपये का एक सिम कार्ड फ्री था लेकिन कह रहा था कि आपको 350-400 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है 4-5 दिन के लिए 350-400 का रिचार्ज करके। तो पंकज भाई के पास पोस्टपेड नंबर है, उसी से काम चला लेंगे तब तक, कि नेटवर्क तो वैसे भी इतने नहीं रहते हैं क्योंकि जैसे ही यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा श्रीनगर से आगे जाएंगे तो नेटवर्क केवल और केवल मेन सिटीज़ में रहेगा, तो इतनी कॉलिंग किसी को हो नहीं सकती है, नेट इतना अच्छा चलता नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत पंकज भाई के पास है उसी से काम चलाया जाएगा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कमर जो है ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरी सेक दी होगी, मतलब एक गर्म कोई चीज़ करके कमर पे लगा दिया होगा, ऐसा हाल हो रहा है। और आपको भी दिखाई दे रहा होगा धूप कितनी तेज़ है, तो देखते हैं शाम तक शायद से मौसम अच्छा हो जाए,
या फिर पहाड़ों में जाके मौसम अच्छा आ जाए, क्योंकि सामने मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं हल्के हल्के। अगर कैमरे में आपको दिखाई दे रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे रोड के एंड में वहाँ पे आपको थोड़े बादल दिखाई देंगे। पहाड़ों की चढ़ाई हमने शुरू कर दी है, क्या मजा आएगा लीनिंग में। हम पहुंच चुके हैं हरे भरे पहाड़ों के बीच में और ये मेरी मौत मेरे सामने थी अभी। बाय चांस कैमरा ओपन रह गया। He wants to kill me, man. कोई नहीं, ऐसे ही होता है, ब्रेक लगा लेने चाहिए कुत्ते के। अगर मैं कोशिश करता कि उसके सामने से तेजी से निकाल दूं तो शायद वो भी मरता, मैं भी मरता। तो कोशिश ये रहनी चाहिए जैसे ही वो जानवर आपको दिखाई दे तो आपको दूर से ही उसे गाड़ी को धीमे कर लेना चाहिए, ताकि वो आराम से निकल जाए और एक्सीडेंट का कोई खतरा ना रहे। हम लोग अभी पहले टोल पे पहुंच गए हैं। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ा सा मौसम और अच्छा होता, लीनिंग करने का मज़ा तो अपना अलग ही है। क्या कहे यार, गजब। वहाँ जाना है हमें, वहाँ ओ उन पहाड़ों के बीच में। क्या मौसम लग रहा है यहाँ से, वहाँ का सारे में बादल है, सारे में। इधर देखोगे तो पूरे में धूप ही धूप और इधर बादल ही बादल। और आ गई हमारी फर्स्ट टनल। ओ वाओ, ये देखो, ओ माय गॉड, ये आई टनल। और यहाँ हम टनल में पता है क्या देंगे, आओ दिखाते हैं। ओहो, एक सामने और नजर आ रही है, क्या बात है, ये होता है मजा। आहा, आप बाइक से आओगे तो इसी चीज का मजा है। क्या बात है, इतनी धूप में टनल के अंदर राहत सी मिल रही है। ये थोड़ी सी लंबी टनल लग रही है और अंदर थोड़ा बहुत इधर उधर पानी भी हो रहा है, तो संभल के जाना होगा इसमें, क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत फिसलन हो रही हो कहीं पे। क्या बात है, पंकज भाई पूरे जोश में है। आहा, क्या बात है, क्या बात है, वाह मजा आ गया यार। पिछले साल मुझे इतना मजा नहीं आया था क्योंकि मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। गाड़ी क्या है, आप गाड़ी में बैठे हो, चलते जाओ चलते जाओ,
कुछ पता ही नहीं चलता कब क्या आ गया कैसे आ गया। इसमें आपको फील होता है कि हाँ जो भी आपके सामने आ रहा है आप उसे फील कर रहे हो। वो देखो सामने पहाड़ों पे, वो सामने, भाई गॉड क्या सीन है यार। ले आओ तो बाइक से आओ वरना मत आओ, बेकार है आना। बस आप वहीं वहीं के मजे ले सकते हो, रास्ते को आप जो महसूस करते हैं उसको महसूस नहीं कर सकते आप। क्या बात है, गजब। पीछे तक का रास्ता एकदम मक्खन रास्ता था। अरे मेरे भाई क्या चाहता है ये, आज कभी कुत्ते आ रहा है कभी कोई आ रहा है और ये रोड वैसी ख़राब है। इसका दिन पता नहीं क्या है। ओह एक चीज़ से निपट नहीं पाते उतने में दूसरी चीज़ सामने आती है। कोई नहीं, पॉजिटिव वाइब्स लाओ अपने अंदर, पॉजिटिव वाइब्स। तो हालत टाइट है लेकिन जोश बहुत है, और जोश इतना है कि इसको सबको चीर फाड़ के हम निकल जाएंगे लेह के लिए। इस स्पोर्ट्स बाइक को निकालने में कितनी मेहनत लगेगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर। और पंकज भाई कहाँ रह गए, पीछे लगता है मुझे थोड़ी देर वेट करना चाहिए उनका। ओह माय गॉड क्या चीज़ है, वाओ नेचर फॉल, गजब। और सड़क की हालत आप अभी वीडियो में वैसे भी देख चुके हो, ऐसे भी देख लो यहाँ पे, ये जैसे रोड को चौड़ी कर रहे हैं और काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पे। तो ये कुल 50 किलोमीटर सारा रास्ता ऐसे ही है अभी, और 20 किलोमीटर आ चुके होंगे, 30-40-50 किलोमीटर और होगा अभी इसके बाद। 10 किलोमीटर में जो सबसे बड़ी टनल है, 10 किलोमीटर पे जो 9 किलोमीटर की टनल है उसके आगे फिर रास्ता ख़राब है, रामपाल कुछ ऐसे करके हुई जगह है वहाँ तक, और चले जा रहे हैं। देखो हालत ख़राब है, श्रीनगर कब पहुँचता है कुछ कह नहीं सकते। और एक राजमा चावल लिया है और एक मैगी ऑर्डर करी है। तो बाइकें वहाँ पर पार्क कर रखी है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और बाप रे पाउडर देख रहे हो कितना लग गया है हर सामान पे, हर जगह पाउडर ही पाउडर है। और थोड़ा सा रेस्ट हो गया आधे पौन घंटे का, अब अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से निकलते हैं, ये शॉप है तोलकी नाला पे, जो राजमा चावल बनाया था वो बहुत औसम था। उफ, और एक चटनी बनाई थी अनारदाने की, आ हा हा। साथ में अंकल जी ने हमें वहाँ का देसी खीरा दिया, वो भी बहुत औसम हो रहा था। और अब चल रहे हैं यहाँ से। बाइक का भी कोई चार्ज है क्या इसमें, कार जीप वैन बाइक फ्री है शायद से।
सुनी होगी आपने, जब नहीं है बस का तो क्यों लिया दस का। नोट यह कि इसे पंकज भाई से जोड़ के ना देखा जाए। पंकज भाई का जवाब नहीं, मतलब आप इनकी एज नहीं बता सकते कि इनकी एज क्या है। इसी महीने में 14 तारीख को ये हमारे इसी टूर के बीच में 44 के हो जाएंगे, तो डबल 4 के हो जाएंगे और उसे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। भाई का डेडिकेशन मानना पड़ेगा, मतलब खींचे जा रहे हैं इतनी बड़ी एज। जान लो खत्म करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, जान लो खत्म करते हैं, वहाँ शुरू करते हैं। बाकी पहली कहावत को इनसे मत जोड़ना। श्रीनगर यहाँ से भी कितना लगा होगा? ऑलमोस्ट 120 के आसपास। 120 के आसपास ना, तो 4:15 बज गए हैं। आई थिंक इसके बीच में कोई एक आध जगह और रुकेंगे। रोड खराब है, लेकिन एक आध जगह छोटी छोटी जगह रुकेंगे और हो सकता है 6:30 के बीच में हम श्रीनगर लग जाएं। तो इसके बाद आगे से इसके बाद आगे मिलते हैं। बोला भी नहीं जा रहा, बाकी चले आ जाओ, मैं भी उधर बाइक को करता हूँ। बाइक्स की हालत और हमारी हालत ख़राब हो चुकी है। कपड़े दिख रहे होंगे सारे गंदे हो गए, इतना पाउडर उड़ रहा है बता नहीं सकते आपको कितना पाउडर उड़ रहा है। और ये देखो बाइक की हालत, ये इतना सारा पाउडर लग चुका है। जो बेचारे पाउडर लगने से लोग गोरे होते हैं, हमारी काली सी होती जा रही है पाउडर लगने के कारण। सर पंकज भाई की गियर शिफ्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो फर्स्ट गियर है वो नहीं डल पा रहा है, तो उस गियर को ठीक करवा रहे हैं। ऐसे अभी हम लोग हैं बनिहाल में, यहाँ से कुछ 90-100 किलोमीटर के बीच में श्रीनगर रह गया है और रास्ता ऑलमोस्ट ख़राब ही चल रहा है। कह रहे हैं टनल के बाद रास्ता, जवाहर टनल आएगी उसके बाद रास्ता ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ रही है? बहुत नीचे चल रहा है। अच्छा, ताकत लगाना पड़ रहा है, बहुत नीचे जा रहा था। अच्छा, और सेकेंड गियर सीधा रहा है। सो ये वो ढाबा था जहाँ पिछली बार मैंने नाश्ता किया था और कुछ टाइम लैप्स लिए थे। ये सागर वैष्णो ढाबा नाम से जगह है। जब हम पटनी टॉप से निकल करके आए थे उस वीडियो को आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर आई बटन में आ रहा होगा। हालत टाइट हो रही है क्योंकि इसके आगे अभी श्रीनगर काफ़ी लंबा रह गया है और ठंड बहुत तेज़ हो रही है। होपफुली जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ से अब जो नीचे का है वो सिर्फ उतार ही उतार है। श्रीनगर शायद नीचे आके घाटी में हो जाएगा। अंदर 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 आना है। सो गाइस, अभी हम लोग हैं CRPF कैंप के अंदर। टाइम हो गया है 10:45 और हम लोग श्रीनगर पहुंच गए थे करीब 9:30 के बीच में। और उसके बाद आए यहाँ पर, मेरे चाचा रहते हैं, चाचा CRPF में है तो उनकी पोस्टिंग यहीं पर है, तो मैं डायरेक्ट उनके पास आ गया क्योंकि ऐसा है कि हम मेरे फैमिली मेम्बर है, मैं बाहर होटल में रुकता और उनसे मिल नहीं पाता, तो मुझे भी अच्छा ही लगता, उन्हें भी अच्छा ही लगता, क्योंकि कई कई महीने की इनकी पोस्टिंग होती है, यहाँ पे घर नहीं जा पाते, वो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऊपर कमरे में मैं यहाँ नीचे हूँ गेस्ट हाउस में, आपको सुबह उनसे मिलवाऊंगा क्योंकि सुबह निकलने से पहले उनसे मिलते हुए निकलेंगे। नेक्स्ट स्टे हमारा होगा कारगिल में, वहाँ पर कुछ देखेंगे रहने का। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, अब हिम्मत नहीं है कुछ भी। ये जो चीज़ है बहुत दर्द हो चुकी है कि यहाँ चप्पे पे आर्मी है, बहुत आर्मी है और डर भी लगता है। एक तो वो साला पबजी ने दिमाग ख़राब कर रखा है, जब पबजी खेल खेल के ऐसा लगता है कि कोई स्नाइपर बैठा है और ठाए से गोली मार देगा दूर से, ऐसा नहीं है। सेना ने बहुत कुछ यहाँ संभाल रखा है और बहुत अच्छा कर रही है हमारी सेना, और होप करते हैं बहुत अच्छा करेगी। एक दिन ये जो कश्मीर स्वर्ग था वो वापस से अपने रूप में आएगा, वापिस से स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि जो कुछ लोग इसे बर्बाद कर रहे हैं उनका खात्मा बहुत जल्दी होगा। पूरे सामान में जो है पाउडर चढ़ चुका है, आप ये सामान यहाँ देख सकते हो, ये देखो कितनी मिट्टी हो रही है पूरे सामान में, वो बैग देखो उसकी हालत।
आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके बताएं कैसी लगी है। बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। दिस इज जलज कुमार विद मिस्टर पंकज शर्मा, विद मिस्टर पंकज शर्मा एंड मिस्टर भूपेंद्र कुमार ऊपर हैं, उनसे आपको कल सुबह मिलवाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शबा खैर, शबा खैर, होप फॉर द बेस्ट। बाय बाय।